हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में स्नातक स्तरीय ग्रेजुएट लेवल का जो है डीवी होने वाला है 16 अगस्त से लेकर 13 सितंबर के बीच में। तो आज दोस्तों 15 अगस्त है और सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, यानी कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे दो मित्र ये जो हैं जा रहे हैं डीवी के लिए, तो आज वैसे गाड़ियां तो मिल नहीं रही इनको। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं दोस्तों, एक राज की बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि तो हम तीनों जो है दोस्तों एक ही साथ रहते थे लगभग, कि ये तो 2021 में आए थे और बाकी जो है गोविंद भाई और मैं, हम लगभग 3-4 साल से लगभग साथ ही रहते हैं। तो सबसे पहले इनको आप जानते होंगे, तो इनका नाम है मुकेश सिंह धामी जी। तो ये अभी जैसा कि आपने पिथौरागढ़ जो पटवारी की लिस्ट देखी होगी, जो पहले नंबर पर जो नाम आपको दिखाई दे रहा है मुकेश सिंह, वो यही हैं। और जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसमें भी इनकी 10 रैंक है। और ये हैं हमारे गोविंद भाई, गोविंद पांडे। तो इन्होंने जो है नैनीताल से जो लेखपाल की आपने लिस्ट देखी होगी, जो गोविंद पांडे जो 1 रैंक पर हैं, तो वो ये हमारे गोविंद भाई हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया कि हम तीनों एक ही साथ रहते थे, जब गोविंद सर की जो है जॉब लग गई थी, आपको बताई है कि जैसे बहुत से लोगों को बताया कि ये फॉरेस्ट गार्ड में भी आपने देखा होगा रैंक 2 पर गोविंद पांडे करके। तो जब जो है जॉब में चले गए थे, उसके बाद जो है फिर हम लोग अलग हो गए थे, तब तक जो है लगभग हम 3-4 साल साथ ही रहे हैं। और बाकी साल का पेपर देने तक सब साथ ही थे। हाँ, पिछली बार जो है पेपर देने तक हम लोग ग्रेजुएट लेवल देने तक, फिर उसके बाद जो है लीक हो गया था, उसमें भी जो है इन्होंने जो है गोविंद भाई ने जो है 57 रैंक हासिल की थी पेपर लीक के बावजूद भी। और इस बार जो है भाई की 26 रैंक है, कनिष्ठ साई में भी 26 रैंक है, जो भी जो कनिष्ठ साई का 757 वाला। तो इनका जो है कल को डीवी है, तो ये जा रहे हैं आज, जैसे ये भी अभी अभी पहुंचे पिथौरागढ़ से, लगभग 12 बजे यहाँ पहुंच गए थे। साथ ही हमारे हिमांशु भाई, और हम लोग जो है अगल बगल ही रहते थे, तो हिमांशु भाई भी हमारे जो है लेखाकार बन चुके हैं। तो दोस्तों अब हम इनसे जान लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। तो आयोग आप जा रहे हैं, गोविंद भाई दूसरी बार जा रहे हैं, नहीं दूसरी बार नहीं तो कई बार 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 आयोग जाने के आदी हो चुके हैं, इनका घर ही आयोग में है। तो सबसे पहले इनसे जान लेते हैं धामी जी से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इस बार दूसरी बार जा रहा हूँ मैं आयोग, तो देखते हैं कैसा रहता है डीवी, और तो फिर ज्वाइनिंग का वेट रहेगा। तो आपने क्या सोचा है कि कौन सी पोस्ट इनकी, जैसे कि इनकी आपको बताया कि रैंक इनकी 10 है, तो आपने क्या सोचा है कि कौन सी पोस्ट आप लेना चाह रहे हैं? पोस्ट पहले प्रीफ्रेंस तो मेरी ARU रहेगी वैसे, UK SSC में, और दूसरा निर्वाचन आयोग में जो ARU है, उसके बाद उद्योग प्रबंधक, फिर सहायक चकबंदी अधिकारी, तो इन सब में ही मिल जाना चाहिए वैसे। टॉप की प्रेफरेंस यही है। टॉप की प्रेफरेंस यही है। और इनसे भी जान लेते हैं गोविंद पांडे जी से, तो प्रेफरेंस ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, यही प्रेफरेंस डालूंगा मैं भी, फिर देखते हैं कौन सी मिलती है करके उसके बाद। बाकी अच्छी फीलिंग है, आयोग जा रहे हैं इस बार, बार बार इनका आयोग घर ही है वैसे, कई बार चले गए आयोग, पहले भी जाना हुआ था, तो हाँ अच्छी फीलिंग है। आप लोग भी करते रहिए मेहनत, कभी न कभी जाने का मौका मिलेगा ज़रूर, लगातार लगते रहिए, थोड़ा बीच बीच में आती हैं, उतार चढ़ाव होते रहता है, हिम्मत मत हारिए, करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, ज़रूर सफलता मिले। बाकी दोस्तों इन्होंने जो है किस तरह से तैयारी की, हर एग्ज़ाम में सफलता पाना, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि जो भी इन्होंने दिया हो उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो इनसे हम जानेंगे। बाकी दोस्तों अभी क्योंकि ये लोग डीवी के लिए जा रहे हैं, तो अभी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो बहुत समय लगेगा क्योंकि इनको ट्रेन भी पकड़नी है और जाम भी लग सकता है तो रास्ते में, और बाकी मौसम भी ऐसा हो रहा है और गाड़ी भी मिलनी मुश्किल है। तो बाकी दोस्तों लाइव भी आएंगे और जो है वैसी वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि हम तीनों जो है साथ ही रहते थे, बाकी सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो बाकी वो लंबी वीडियो हम बाद में बनाएंगे, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए कि इन्होंने कैसे तैयारी की। बाकी नाम आपने देख लिया होगा, मुकेश सिंह और गोविंद पांडे, हर एग्ज़ाम में आपको गोविंद पांडे का नाम तो आपको देखने को मिला ही होगा। बाकी पिथौरागढ़ से रैंक 1, बाकी और जगह भी है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में भी हुआ है, कनिष्ठ साई में भी, तो वहाँ इन्होंने जो है डीवी नहीं कराया है, तो वहाँ मतलब फिजिकल के लिए भी नहीं जा रहे लोग और फॉरेस्ट गार्ड में, तो ये तो खैर पहले से ही है, इनको तो 2 साल हो गया लगभग होने वाले हैं फॉरेस्ट में। तो अब ये मिलेंगे आयोग के बाद, डीवी कराने के बाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर बाद में। और कई कमेंट भी आ रहे हैं कि जैसे वीडियो वीडियो में से कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जिनके पास SSSC है तो वो तो BPDO के लिए जा सकते हैं और BPDO के लिए जाना भी चाहिए, बाकी जिनके पास SSSC नहीं है तो उनको जो है वीडियो ही मिलना है उनको वैसे भी। तो आपके हिसाब से उनको क्या लेना चाहिए, जो कमेंट कर रहे हैं कि हम वीडियो लें BPDO लें? देखिए ये तो मतलब हर किसी इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है, आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, कुछ
आपके जानने में होंगे जो लोग पहले से इस डिपार्टमेंट में है, वीडियो में, उनसे बात करके कि कौन सा ज़्यादा सही है, आपको आगे तैयारी करनी है या आगे के लंबे टाइम के लिए सोचना है, सारे पहलू सोच समझ के फिर डिसाइड करिए कौन सी प्रेफरेंस लेनी है करके। जल्दबाजी मत करना इसमें, सब कुछ सोच समझ के इस डिसीजन को लेना, क्योंकि मैं जो बताऊँ ज़रूरी नहीं है वो अच्छा ही डिसीजन हो। तो जो लोग इस विभाग में हैं जिन्हें ज़्यादा पता है उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पता कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए करके, थोड़ा अपने घर वालों से ही बात कीजिए, तो फिर उस हिसाब से डिसाइड करें हमें कौन सी प्रेफरेंस लेनी है। तो दोस्तों अब लंबी वीडियो इनके साथ जो है फिर से बनाऊंगा आज तक, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं, मैंने बताया नहीं। हालांकि ये लोग, आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो दोनों मेरे ब्लॉग में आ रखे हैं दूसरे वाले चैनल पर, अगर आपने देखा होगा तो। पिथौरागढ़ गए थे घूमने तो उसमें देखा होगा इनको, बाकी हाँ ध्वज मंदिर गए थे, और बाकी इसके अलावा गोविंद तो खैर न मालूम कितने वीडियो में आए हैं। जो ये दोस्तों यूट्यूब चैनल हमारा सीकर स्टडी पॉइंट है, उसमें शुरुआत में दोस्तों मैं वीडियो नहीं बनाता था, अगर आप पुरानी वीडियो उठाकर देखेंगे तो शुरुआत भाई ने की थी, क्योंकि ये लगातार मैं इससे ही बोलता था वीडियो बनाने के लिए और ये परेशान हो जाता था, तो इस वजह से फिर मुझे खुद बनानी पड़ी और उसके बाद जो है लगातार, लेकिन बने रहा मैं जो भी रहा, और बाकी शुरुआत इसने की थी वीडियो की, क्योंकि शुरुआत में अगर देखेंगे अभी भी रखी और डिलीट नहीं किया मैंने, और उसी रखूँगा उनको। तो अभी दोस्तों ये जा रहे हैं, बाकी आप सभी को भी जिनका भी चयन हुआ है शुभकामनाएं, बाकी जिनका रह गया है, जिनको लग रहा है कि थोड़ी रैंक कम है या जो भी है, बाकी दोस्तों आने वाली समय में जो है और भी भर्ती आने वाली हैं, और यही दोस्तों वीडियो ये भी आने वाला है, कनिष्ठाई की पोस्ट आने वाली है, आबकारी विभाग में पोस्ट आने वाली है, आबकारी सिपाही, परिवर्तन सिपाही, इसके अलावा अन्य भी दोस्तों कुछ भर्तियां हैं वो भी आने वाली, जो पुलिस कांस्टेबल वाले हैं उनके लिए भी नई भर्ती आने वाली, तो आप लोग लगे रहिए। बाकी आने वाले समय में LT प्रवक्ता, RO जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, वो भी दोस्तों आपको भर्ती जो है बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।